क्लास वन के बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला आप लोग पिछली कक्षा में यानी कि यूकेजी में पढ़ चुके हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों का समूह है जिसमें बहुत सारे वर्ण हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जैसे आप यहां देख रहे हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ औ, ये 11 हैं और ये 11 अक्षर यानी कि 11 वर्ण स्वर वर्ण की गिनती में आते हैं। आप आगे देख रहे हैं अंग और अह, ये स्वर वर्ण के में लिखा गया है लेकिन ये स्वर वर्ण की गिनती में नहीं आता है, इसलिए कुल 11 स्वर्ण हुए, 11 स्वर वर्ण हुए। उसके नीचे देखेंगे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्यश मूर्धन्य दंश आ। बस यहाँ तक, यानी कि क से लेकर ह तक कुल मिलाकर 33 वर्ण यानी कि 33 वर्ण व्यंजन वर्ण की गिनती में आते हैं। हम यहाँ पर आपको बता दें कि स्वर वर्ण ये अपने मूल रूप और मात्रा चिन्ह दोनों ही रूपों में प्रयोग होते हैं। आप सोच रहे होंगे मूल रूप क्या है, यानी कि अ जैसा दिखाई देता है वैसा ही शब्द में प्रयोग होगा। जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको अ, ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही शब्द में प्रयोग होगा। अ से हम लोग शब्द बनाएंगे, अ जोड़ ब इज इक्वल टू यानी कि बराबर अब। दूसरा शब्द बनाएंगे, अ जोड़ म जोड़ र इज इक्वल टू अमर। तीसरा वर्ड बनाएंगे, अ जोड़ द जोड़ र जोड़ क इज इक्वल टू अदरक। यहाँ पर देख रहे हो कि जैसा अ दिखाई देता है वैसा ही वो शब्दों में प्रयोग हुआ है, जैसे अब अमर अदरक। आज हम लोग स्वरों की मात्राओं से शब्द बनाना सीखेंगे, स्वरों की मात्राओं से शब्द बनाना सीखेंगे। तो स्वरों की गिनती में सबसे पहला नंबर है अ और आ। अ और आ,
आज हम लोग अ और आ से ही शब्द बनाना सीखेंगे। तो मात्रा क्या है? मात्रा, जब व्यंजन वर्ण में स्वर जिस रूप में जुड़ते हैं उसे मात्रा कहा जाता है। तो जैसा हम देख रहे हैं अ, अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है। अ क्योंकि सभी व्यंजन वर्णों में छुपा हुआ रहता है, यानी कि सभी व्यंजन वर्ण में अ स्वर छुपा हुआ है। अ स्वर की मदद से ही सारे व्यंजन वर्ण बने हुए हैं। यदि हम व्यंजन वर्ण में अ स्वर को दिखाना चाहें तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। क, क के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा जिसको हलन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इससे अ स्वर निकाल दिया गया है। जोड़ अ, इस तरह से बना क, यानी कि यहां पर अ स्वर रहित है और यहां पर स्वर रहित है। यहां पर से क, क, क से अ स्वर निकाल दिया गया है और यहां पर अ स्वर छुपा हुआ है, यानी कि ये क अ स्वर के मेल से बना हुआ है। इस तरह से हम बिना मात्रा वाले शब्द बनाना सीखेंगे, जैसे क जोड़ ल, कल, ब जोड़ स, बस। ये हुए दो अक्षरों वाले शब्द। हम लोग आगे देखेंगे तीन अक्षरों वाले शब्द। क जोड़ म जोड़ ल, कमल। म जोड़ ट जोड़ र, मटर। अब हम लोग देखेंगे तीन अक्षरों वाले, चार अक्षरों वाले शब्द। क जोड़ स जोड़ र जोड़ त, कसरत। श, तालव्य श है ना, श जोड़ र जोड़ ब जोड़ त, शरबत। इसी प्रकार अ जोड़ द जोड़ र जोड़ क, अदरक। हम लोगों ने शब्द बनाया दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द, यानी कि इसमें मात्रा चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि सभी व्यंजन वर्णों से ये शब्द बने हैं और सभी व्यंजन वर्ण में अ स्वर छिपा हुआ है, इसको हम लोग इस तरह से अलग कर सकते हैं, जैसे
क जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, यानी सभी व्यंजन अक्षरों में अ स्वर छिपा हुआ है। उसी तरह सभी शब्दों के अक्षरों में अ स्वर छिपा हुआ है, यानी इसलिए अ स्वर की मात्रा चिन्ह नहीं होती है। अस्वर की मात्रा चिन्ह नहीं होती है, इसलिए हम लोग इस तरह से उसको शब्द बनाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे आ, यानी कि बड़ी आ की मात्रा। बड़ी आ की मात्रा कैसी होती है? आ, इसके लिए एक हम सीधी लाइन खींचेंगे और ठीक उसी के बीच एक खड़ी लकीर खींचेंगे। ये है आ की मात्रा। ये सीधी लकीर हिंदी में शीर्ष लकीर माना जाता है, इसे शीर्ष लकीर कहा जाता है। अब आ की मात्रा का प्रयोग करते हुए हम शब्द बनाएंगे। क जोड़ अ जोड़ ला, यानी कि अब इस आ को हम लोग मात्रा चिन्ह में बदल कर शब्द का निर्माण करेंगे, यानी कि क जोड़ अ जोड़ ला, यानी कि काल। उसी प्रकार त जोड़ आ जोड़ ला, इस आ को हम लोगों को मात्रा में बदलना है। त जोड़ अ जोड़ ला, यानी कि ताल। इस तरह से हम लोगों आ को मात्रा चिन्ह में बदलकर शब्द बनाएं। अब हम लोग नए शब्द बनाना सीखेंगे, आ की मात्रा से नए शब्द बनाना सीखेंगे। जैसे काल, पहला वर्ड हम लोगों ने बनाया था काल। काल से हम लोग इसको बना सकते हैं काला। ला के बाद यदि आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा काला। उसी प्रकार ताल बनाए थे, यदि हम ला के बाद आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ताला।